मैं आनंद सिंह राजावत, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। मैं आज मेरे छोटे भाई ज्ञान जी को शुभकामनाएं देने हेतु व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ। और ये कोई पार्टी का वो विषय नहीं है, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का ही रहूँगा। ज्ञान जी भी भाजपा के ही है, हमारे विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दो चार दिनों से मैं जो देख रहा हूँ सनातनी संगठन, इस तरह की जो बातें की जा रही, मुझे बहुत दुख हुआ। यदि ज्ञान जी सनातनी नहीं है तो फिर विश्व में कोई सनातनी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। एक गौ रक्षक, उतना सेवा भावी गौ रक्षक, जनता की सेवा करने के वाले के ऊपर एक चुनाव लड़ने के लिए इतना आक्षेप लगाने, वो भी हमारे पार्टी के लोगों को द्वारा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मुझे लगा ऐसे ज्ञान जी को मेरे को जाके आशीर्वाद, एक सहयोग और शुभकामनाएं प्रेषित करने का आज अवसर है, वो मैंने दी है। और शुभकामना देने में कोई पाप नहीं, मैं कल महेंद्र सिंह जी रावता मिलेंगे, उनको भी शुभकामना दूंगा। ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये संघ की परंपरा है, इसमें कोई वो नहीं है। और किसको जीतना है ये तय जनता करेगी, ये आप और हम, ये जो जितनी भी अजमेर की जनता है वो सबकी बात सुनेगी और जो उचित होगा वो करेगी। और ऐसी स्थिति क्यों आई पार्टी को, ये भी सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कल नामांकन उठाने का आखिरी दिन था, क्या अच्छा नहीं होता कि देवनानी जी इनके पक्ष में रिटायर हो जाते, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। और जनता का जो जो सैलाब उमड़ रहा है उसको देख के अगर अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी उनको चुनाव लड़ना है। हम भाजपा के, मैं अपना वोट उनको दूंगा, लेकिन मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ। लेकिन जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वस्तु स्थिति क्या है वो 25 तारीख को जब मतदान होगा तब पता चल जाएगी। आज जो जन सैलाब का जो मूड दिख रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बार मैं पुनः ज्ञान जी को, उनके साथियों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, प्रेषित करता हूं, और विजय भाव का आशीर्वाद भी देते हुए मैं अपनी बात को करता पूरी। मैं अपनी ओर से, मन से, मैं चाहता हूं ज्ञान जी जैसे लोग आगे बढ़े। और मोदी जी ने जो अमृतकाल का जो ये वर्ष चल रहा है, ऐसे समय में अगर युवा नेतृत्व को हम आगे नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? क्या 20 साल बाद ये युवा रहेंगे, क्या 20 साल बाद ये भी बूढ़े हो जाएंगे? तो मैं चाहता हूँ युवा नेतृत्व तो आगे बढ़े, और हम जैसे लोगों का दायित्व है इनके लिए जगह खाली करें, इनको आगे बढ़ाएं, इनको प्रेरणा दें, और इनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा करें। यही मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।